दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल 26 अगस्त के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो इंडेक्स मूव करता है वो इनकी जो टॉप कंपनीज़ होती है ना उन पे मूव करता है। अगर हम टॉप कंपनीज़ का एनालिसिस पहले दिन कर लेंगे तो नेक्स्ट डे का मूव किस तरफ होगा, किस तरफ का ट्रेंड होगा वो हमें पता चल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी टॉप कंपनीज़ है, उसमें से टॉप जो जिनका हैवी वेटेज है उनको उठा के हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं HDFC बैंक 26% का वेटेज, ICICI बैंक 23, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11, एक्सिस बैंक 11 और कोटक बैंक 11। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम उठाते हैं निफ्टी 50 की तो उसमें भी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री अलग आ जाता है, यहाँ पर 11% का वेटेज, बाकी वही बैंक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी अलग कंपनीज़ आती हैं। हम यहाँ पर टॉप का जो है कंपनीज़ उठा के यहाँ पर देखते हैं और कल आपको किस तरफ मूव देखने को मिलता है बिल्कुल क्लियर यहाँ से देखने को मिल। दोस्तों सबसे पहला HDFC बैंक, तो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट में एक जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेकआउट हुआ, उसका मार्केट ने यहाँ जो मैंने कल बताया था फर्स्ट टारगेट वो टारगेट देने के बाद मार्केट आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को वॉल्यूम के साथ मोरू बोजू कैंडल के साथ ब्रेक किया है और काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई है। तो साफ यहाँ से कल मार्केट एक बेरिश इफेक्ट दिखा सकता है और नीचे की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने एंड में दिखाया यहाँ पर, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो कल बेरिश देखने को मिलेगा। आगे के पॉइंट देखते हैं बाकी का एनालिसिस करके। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी पे काफ़ी हैवी वेटेज रखता है, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पर एक यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड था और यहाँ पर ये जो ब्रेक हुआ है ये मोरू बोजू कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कल के लिए। बेरिश सेलिंग काफ़ी हुई है तो ये भी एक थोड़ा बेरिश मोड कल दिखा सकता है। दो पॉइंट हमें बेरिश के मिले, बुलिश का जो है अभी यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं हुआ। यहाँ पे हम थर्ड देखेंगे ICICI। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं हमारा प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर 2000 से ज़्यादा प्रीमियम यूजर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी का पर्सनल ट्रेड शेयर किया जाता है। आप देख सकते हैं अगस्त 25 का ये कॉल 39,000 का सी जो है मॉर्निंग में प्रोवाइड किया गया था और यहाँ पर हमारे सभी टारगेट अचीव हुए और यहाँ पर आप हमारे यूज़र्स का आज का सभी स्क्रीन शॉट देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे यूज़र्स की आज के कॉल के प्रॉफिट जो है आपके सामने हैं। डेली यहाँ पे हम जो है दोस्तों कॉल प्रोवाइड करते हैं और हमारे यूज़र्स को काफ़ी अच्छा लास्ट रिकवर होता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% से ज़्यादा डिस्काउंट स्पेशल चल रहा, अभी 999 में लाइफ टाइम की जानिंग है, लेकिन इस डिस्काउंट के ऊपर आपको अभी सिर्फ 399 में लाइफ टाइम की जानिंग मिल जाएगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पर्सनल ट्रेड डेली शेयर किया जाता है, यहाँ पे 90% एक्यूरेसी हमारे प्रीमियम ग्रुप का। ये व्हाट्सएप नंबर और ये टेलीग्राम लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी। पेमेंट डन होने के बाद आपको प्रीमियम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी बैंक तो ICICI बैंक में भी आप देख रहे हैं अप ट्रेंड था उसका, यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है, आगे के टारगेट भी यहाँ पर हो सकते हैं तो क्योंकि वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है तो यहाँ पर भी बेरिश सीजनल है, थर्ड सीजनल भी बेरिश हमारे पास आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी हैवी वेट रखता है क्योंकि हमने आपको कल बताया था वॉल्यूम के साथ यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 528 तक के टारगेट यहाँ से आगे देखने को मिले, लेकिन आज मार्केट ने जो क्लोजिंग किया है वो ये जो लेवल ब्रेक किया था उसके नीचे का क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ किया है, तो ये भी फोर्थ सीजनल हमारे पास बेरिश आया। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं कोटक बैंक ने भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया, तो फिफ्थ सीजनल भी बेरिश है। तो मार्केट में कल एक अच्छा बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिल सकता, ये तो साफ है। डाउनसाइड का मूव आपको टारगेट के हिसाब से लिमिटेड देखने को मिल जाए, लेकिन अपसाइड का बड़ा मूव नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल साफ आपने यहाँ पर देखा है। दोस्तों यहाँ पर आज का डेटा आ चुका है 25 अगस्त का, ये डेटा यहाँ पर देखते हैं हम डिटेल में। दोस्तों आज मार्केट में अगर देखें FII ने टोटल यहाँ पे 369 का बाइंग किया और DII ने 334 का सेलिंग किया, यानी आज मार्केट में 40 करोड़ का लगभग बाइंग हुआ है। उतना इम्पैक्ट इस बाइंग और सेलिंग का नहीं पड़ता क्योंकि बहुत कम हुआ है यहाँ पर नेट बाइंग, तो आपको साइडवेज देखने को कल मार्केट मिल सकता है। इसके पीछे का एक रीज़न यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया वीक्स एक ऐसा चार्ट होता है जो हमें शो करता है मार्केट किस तरफ मूव करेगा। अगर इंडिया वीक्स 20+ हो जाता है दोस्तों उस समय वोलेटिलिटी जो होती है मार्केट में वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कभी आप जाता है कभी डाउन, जो कि आज 2-3 दिन से आप देख रहे हैं क्योंकि मार्केट में इंडिया वीक्स जो है यहाँ पर देख रहे हैं आज भी 20 के आसपास गया है और यहाँ पर क्लोजिंग जो है 19.57 की दी है, तो यहाँ पर 20 के ऊपर होने पर आपको अगले दिनों आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसा अपसाइड और डाउन साइड का मार्केट में मोमेंट दिखता रहेगा। तो यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाइंग सेलिंग करना काफी अच्छा रहता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन 01 सितंबर का हमारे पास है बैंक निफ्टी का, यहां से भी थोड़े बहुत सीजनल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें डेटा
जो यहाँ पे ये है हमारे पास सी जोन, जहाँ से पता चलता है अगर ज़्यादा डेटा हो यहाँ पे मार्केट बेरिश होगा, अगर उसके कंपेरिजन में यहाँ कम है तो मार्केट बुलिश होगा, अगर उस तरफ ज़्यादा है। यहाँ पर देखते हैं कितना है, 3,000, 7,000, 16,000, 22,000, 10,000, 19,000, 22,000, 26,000, तो इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे पीई का डेटा। यहाँ पर ये जो है पीई का डेटा है 8,000, 5,000, 5,000, 22,000, ये जो है इंट्राडे का चेंज कम नज़र देखने को आया है, और यहाँ पे भी 14,000, 11,000, 9,000, 40,000, तो इस तरफ भी कम है, उतना ज़्यादा भी कम नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है मार्केट में एक रेड मूव होगा, लेकिन उतना बड़ा रेड मूव नहीं होगा डाउन साइड का। ये हमारे पास बिंग निफ्टी का था डेटा, देखेंगे निफ्टी 50 का यहाँ पर नई एक्सपायरी का। तो यहाँ पर अगर देखें 3,000, 21,000, 10,000, 74,000, 1,00,000+, 15,000, 55,000 और 7,000, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई भी लैक की वैल्यू नहीं है और बहुत कम है, 62,000, 8,000, 42,000, 7,000, 3,000, 16,000, 3,000, 16,000, यहाँ पे कम डेटा इसके कंपैरिजन में, लेकिन उतना कम नहीं है कि बड़ा मूव मिले। तो यहाँ से भी पता चल रहा है बेरिश होगा मार्केट, लेकिन उतना बड़ा मूव डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन चेन से निकल के आ रहा है डेटा। दोस्तों हमने देखा मार्केट का जो वीक्स है काफ़ी हाई हो रहा है, तो ऐसे में 20+ वीक्स होने पे मार्केट जो है वोलाटाइल हो जाता है, यानी कि ऐसे मूव देता है, एकदम अप जाता है और वहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट में कुछ ऐसा ही होने को दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है, स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम रिजेक्शन पे अच्छे जो है ले सकते हैं एंट्रीज, वो भी 15 मिनट कैंडल यूज़ करके हमें अच्छा क्लियर रिजेक्शन अगर देखने को मिले तो ले सकते हैं। उसमें निफ्टी 50 के दो स्पेशल टारगेट रहेंगे, कल भी ये टारगेट था, यहाँ से देख सकते हैं 50 मिनट का रिजेक्शन और बड़ा एंट्री मिला। तो यहाँ पे कल के दिन क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड रहेगा 17,730 पे अगर मार्केट कभी भी आता है, तो यहाँ से 15 मिनट का रिजेक्शन का आप वेट करेंगे, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर आप 17,800 का पी बाय करेंगे अगर 15 मिनट का स्ट्रांग रिजेक्शन मिलता है 01 सितंबर की एक्सपायरी का। और दोस्तों यहाँ पर ये थी फर्स्ट टाइप एंट्री, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होगी इस लेवल तक आता है, 17,400 का लेवल है, यहाँ से 15 मिनट कैंडल अपसाइड स्ट्रांग देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी 17,300 का सी ले लेंगे 01 सेप की जो एक्सपायरी है उसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दो एंट्रीज आपको बताई हैं रिजेक्शन की, अगर इसके बीच में मार्केट रहता है। दोस्तों अगर मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके इसके नीचे चला जाता है, 15 मिनट कैंडल अगर इसको ब्रेक करता है स्ट्रांग, तो उसमें आप पी का पोजीशन बनाएंगे नीचे, 17,500 का पी ले सकते हैं। और अगर मार्केट में होता है गैप डाउन है, तो उसमें मार्केट को रीटेस्ट करने देंगे, यहाँ से 15 मिनट कैंडल को रीटेस्ट पुल बैक जब होगा तब आप ये वाला प्रीमियम जो है दोबारा बाय कर सकते हैं। ओके दोस्तों मार्केट में डेटा जो है उतना बुलिश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट कभी 15 मिनट का स्ट्रांग कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है 17,730 के ऊपर, तो यहाँ पे 17,600 का सी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि कल ही अगर अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली तो ये जा सकता है, ऐसे मार्केट का कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए लेवल हमारे पास रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया एक एंट्री ऐसे होगी, ऐसे भी हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, और ये जो वाली है ये ऐसे भी हो सकती है, अगर गैप डाउन हो मार्केट के पुल बैक पे भी एंट्री हो सकती है। ये जो है एंट्री ऐसे आप बनाएंगे बैंक निफ्टी 50 में अगर आपको मौका मिलता है ऐसा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करना है, स्ट्रांग लेवल जो फाइंड है वो है 39,500 और 38,200 का लेवल। अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पर आता है 38,200 के लेवल से हमें 15 मिनट का स्ट्रांग कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 38,100 का हम सी बाय करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के पास जाता है 39,500 स्ट्रांग बेरिश 50 मिनट कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 39,600 का हम पी बाय करेंगे। दोस्तों इसमें यहाँ पर अपसाइड के हम जो है अगर ब्रेकआउट मिलता है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस साथ में ही है, थोड़ा बहुत टारगेट के लिए हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये दो एंट्री अगर ऐसी मौके मिले तो आप बैंक निफ्टी में ऐसा ज़रूर एंट्री जो है देखेंगे और बनाएंगे ऐसा एंट्री, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी देख सकते हैं अगस्त 25 प्रीमियम ग्रुप 2000 से ज़्यादा ट्रस्टेड यूज़र जुड़े हुए हैं, आज देख सकते हैं 39,000 का सी यहाँ पे कॉल प्रोवाइड की थी मॉर्निंग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी टारगेट अचीव हुए, और यहाँ पे आप हमारे यूज़र्स के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये हमारे यूज़र्स का जो है दोस्तों प्रॉफिट है आज की कॉल का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की आज की कॉल थी, यहाँ पर हमारे यूज़र्स के सभी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइनिंग की डिटेल, 999 में लाइफ टाइम की जाइनिंग है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 60% से भी प्लस का डिस्काउंट है, सिर्फ 399 में लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पर्सनल ट्रेड डेली शेयर किया जाता है, 90% एक्यूरेसी हमारे प्रीमियम ग्रुप का। ये व्हाट्सएप नंबर और ये टेलीग्राम लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी। पेमेंट डन होने के बाद आपको प्रीमियम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।